सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का हमारा गेट 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसको IIT खड़गपुर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, और उन्होंने इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी हुई है। तो इनकेस अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको गेट 2022 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है हमारी वो ओपन हो रही है 30 अगस्त से, तो 30 अगस्त के बाद आप इस दी हुई साइट पे आप जाके गेट का एग्ज़ाम भर सकते हो। तो साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इस साइट पे विज़िट कर सकते हो। तो हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 24 सितंबर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एक्सटेंडेड डेट है विद लेट फीस, तो 1 अक्टूबर तक रहेगी। 1 अक्टूबर तक आप भर सकते हो विद लेट फीस। तो उसके बाद अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती है उसको आपको सही करना है, तो उसके लिए आपको 12 नवंबर तक का टाइम मिलेगा। तो जो हमारा एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी से के बाद आप अपना जो हमारा एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर हम बात करें कि एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में, तो ये हमारी जो एग्ज़ामिनेशन है वो हेल्ड होगी 5, 6, 12 एंड 13 फरवरी को। तो जो हमारे रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा 17 मार्च 2022 को। तो यही थी हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ गेट 2022। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट नोट में इन्होंने लिखा है कि अगर COVID-19 की वजह से हमारा डेट्स चेंज हो सकती हैं, अगर वहाँ पे COVID-19 उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसके बहुत ही कम चांसेस हैं, तो यही डेट्स को आप फाइनल मान के चलिए। सो उसके बाद अगर बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हम आपको पता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा हमारा 3 आवर्स का रहेगा, और इस बार जो पेपर्स हैं वो 29 सब्जेक्ट्स के होंगे। सो इसमें जो हमारे सेक्शंस हैं वो रहेंगे एक जनरल एप्टीट्यूड, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो रहेगा उसके साथ आपको मैथ पढ़ना होगा। ये तो सबको पता है कि जो हमारा मैथ होता है वो तो कॉमन सब्जेक्ट है। तो सो क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो MCQs रहेंगे एंड मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो हमारे वो क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा टेस्टिंग एबिलिटीज़ के लिए हमारे पास रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो 10 जो है वो एप्टीट्यूड के रहेंगे और 55 जो है हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो मार्क्स किस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मार्क्स जो हमारे 15 मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड के रहेंगे, और 13 मार्क्स जो है हमारे मैथमेटिक्स के रहेंगे, और जो हमारे बाकी बचा हमारा जो सब्जेक्ट है आपका जैसे इलेक्ट्रिकल है या फिर मैकेनिकल है, तो उसके लिए आपको 72 मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब टोटल जो है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स और 85 मार्क्स मैथ प्लस आपका जो सब्जेक्ट है वो मिला के रहेगा। तो उसके बाद मार्किंग स्कीम की बात करें, तो 1 एंड 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे विद नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से रहेगी कि आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं अगर वो आपका गलत होता है तो आपका 1/3 मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 2/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे गेट 2022 के जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोड के साथ यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। तो ये आपके जो गेट 2022 के लिए पेपर्स हैं वो रहेंगे। सो अगर हम सिटीज़ की बात कर लें, तो आपको 3 सिटीज़ जो है सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो आपके जोन में जो जो सिटीज़ आएंगी आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 750 जो है वो एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी विदाउट लेट फीस, एंड SC ST के लिए भी वही रहेगी, और जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी 750 ही रहेगी। इसके अलावा ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए पर पेपर जो हमारी फ़ीस है ये रहेगी 1500, और जो लेट फीस है वो रहेगी 2000। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जाके, ये आप लोग लिंक देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे जाके आप जो है वो फॉर्म भर के फ़ीस पे कर सकते हो 30 तारीख के बाद। तो उसके साथ आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका लगेगा। अगर हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो उसके लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नोन होनी चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, सो ये सब आपको चाहिए रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा कि जो आपका आधार कार्ड पे या फिर आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वही आपको गेट के जो है फॉर्म में भरना पड़ेगा। अगर आप गलत भरते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसके अलावा जैसे ही आप आईडी प्रूफ की जगह आप आधार कार्ड नंबर डालते हो या पैन कार्ड नंबर डालते हो, तो आपको वो उसकी एक स्कैन कॉपी आपको उधर एग्जामिनेशन सेंटर में भी ले जानी पड़ेगी अपने एडमिट कार्ड के साथ में। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी डिटेल चाहिए कि आप मतलब अगर बीटेक कर रहे हो तो आपको उसका चाहिए, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया डिग्री तो उसके लिए आपको वो बताना पड़ेगा, या फिर अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको वो बताना पड़ेगा, तो आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको कॉलेज का नाम, एड्रेस विद पिन कोड और गेट का जो आपका पेपर है, सब्जेक्ट है आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी है, तो आपको वो भरना रहेगा। और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज़ करने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसमें 3 सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इमेज जो है हाई क्वालिटी इमेज अपनी एंड अपने फ़ोटोग्राफ की वो आपको अपलोड करनी रहेगी। तो इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको इमेजेस जो है वो अपलोड करनी है, वो आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने कुछ जो है वो थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सैम्पल दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है। तो ऐसे फ़ोटोज़ नहीं चाहिए जिसमें आपने सनग्लासेस लगाए हो या फिर मास्क पहना हो या फिर वो ब्लरी फेस हो या फिर डार्क में खींचा हो फ़ोटो, आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे जो है वो नहीं चाहिए फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ ऐसे चाहिए बिल्कुल फ्रंट में आप देख रहे हो और बिल्कुल आपकी जो फेस है वो पूरा दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा आपको साइन जो है वो ब्लू या फिर ब्लैक पेन में से करना है, और जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 200 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आपको साइन करना रहेगा, तो बिल्कुल डब्बे में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए सिग्नेचर। तो इस तरीके से आपको जो है वो फॉर्म भरना रहेगा। तो यही था हमारा गेट 2022 के बारे में मेनली जो हमारी नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।